कर पा रहा था। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है हम, विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, और यहां विचारधारा की लड़ाई है, यहां किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, संगठन व्यक्ति से बड़ा है। हाँ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेवा का जरिया सत्ता नहीं है, सेवा का जरिया सत्ता हो ही नहीं सकती है। मैं भी पिछले 7 साल से मैं भी चुनाव हारा हुआ हूं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। जहां तक ब्राह्मण एकता मंच का सवाल है, निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण एकता मंच बनाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार जो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही थी उसके खिलाफ 4 साल मुखर रूप से उन्होंने आवाज उठाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ब्राह्मणों को न्याय कहां से मिल गया। खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी है, उन्होंने ट्वीट करके कई बार कहा कि 10 महीने से वो जेल में बंद है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, उसके पति अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ वो हो सकता था, लेकिन खुशी दुबे का क्या कसूर है। मैं ये उत्तर प्रदेश के लोग और देश की जनता ये जानना चाहेगी, क्या अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को आज रिलीज कर दिया गया है? और इसके साथ साथ क्या आज वो जो एकता मंच से आवाज उठाते थे ब्राह्मणों पर अत्याचार खत्म हो गए, क्या वो आवाज बनी रहेगी? ये बड़ा सवाल है। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम जयंती और इसके अलावा तरह तरह के उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम के आयोजन की वकालत हाल के दिनों में करती रही है। अब जबकि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जतिन प्रसाद ने बीजेपी का कमल थाम लिया है, कैसे देख रही है? और समाजवादी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा? बीजेपी तो मजबूत हो रही है, अपने कुनबे को बड़ा कर रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जो पार्टी बन के रह गई है। ये भारतीय जनता पार्टी कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी को तो अपनी पार्टी में लेती चली जा रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम के हो। उसके बाद कहती थी हम आएंगे तो हम देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश के साथ है। टिकड़बाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पेट्रोल तो यहाँ पे लगातार तबाह तोड़ बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट 102 पे पहुंच गया है। सोचो डबल सेंचुरी करते क्योंकि नॉट आउट चला, खेल अभी बाकी है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती थी वो भाजपा निर्माण की बात करने लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मजाक कर रही है, हिंदुस्तान की जनता के साथ कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मजाक करने लगेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि आपकी कितने कमजोर हो चुके हो, कितने खोखले हो चुके हो कि आपको नेता इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास नेता है नहीं, जमीनी नेता खत्म हो चुके हैं, इसलिए जमीन की जनता आपके पास नहीं है। नेता तो भले आप इंपोर्ट कर लोगे, जनता कहां से लाओगे? जनता तो आपका साथ छोड़ चुकी है, इसीलिए आप कुछ भी कर लो। जो हाल इनका वेस्ट बंगाल में हुआ है, वहां भी इंपोर्ट कर रहे थे, वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा इनका, यहां भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं और इनको उसी के वही हाल होगा जो हाल वेस्ट बंगाल में देख के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से काम कर रहे हैं उन्हीं को हटा के उनके ऊपर बाहर के नेता ले आती। सोचिए जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के नहीं है तो जनता की कैसे होगी? आप अंदाजा लगा सकते हो। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पा रही वो जनता का सम्मान क्या करेगी? आपका समय खत्म हो गया संगीत रागी जी, अब 1.5 मिनट आपके लिए। ये बताइए कि जतिन प्रसाद के बीजेपी में आ जाने से जो ब्राह्मण माना ये जा रहा था कि नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो अब मान जाएगा? और जो सवाल अनुराग भदौरिया ने भी खड़े किए हैं कि अपने जमीनी